जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, ये बड़ी जानकारी। मचना गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार, पायलट घायल लेकिन सुरक्षित है। ये एक अच्छी खबर है कि जहां पायलट घायल तो हुआ है लेकिन सुरक्षित बताया जा रहा है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मचना गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, पायलट घायल लेकिन सुरक्षित बताया जा रहा है। तो आपको बता दें 3 लोग हैं, हालांकि और 2 लोगों के बारे में अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन हेलीकॉप्टर में इस हादसे में पायलट को चोट आई है। सेना की तरफ से ये कहा गया है हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सुरक्षित है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस हेलीकॉप्टर की जो क्रैश हुआ, लेकिन उसके बाद बचाने के लिए अभियान शुरू हो गया क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से भी लोग इकट्ठे हुए जब उनको पता चला कि इस तरह से क्रैश हुआ है। और वो क्योंकि अगर इसमें कोई व्यक्ति है तो उसको बचा लिया जाए तुरंत आनन फानन, और इसलिए वहाँ पर अब रेस्क्यू टीम भी पहुँची होगी, हालाँकि स्थानीय लोग भी नज़र आ रहे हैं। और अब इन सभी को जो हेलीकॉप्टर में 3 लोग बताए जा रहे हैं उनमें से 1 पायलट को बताया जा रहा है वो सुरक्षित है, हालांकि चोट जरूर आई है लेकिन इसके बावजूद सुरक्षित बताया जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है, सुखद बात है कि क्रैश में पायलट सुरक्षित है, हालांकि 2 और लोग हैं उनके बारे में फिलहाल अपडेट नहीं है। मचना गांव के पास सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और क्रैश के बाद की ये तस्वीर नजर आई, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्रैश के बाद की। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद यहाँ पर बचाव का कार्य शुरू हुआ क्योंकि इसमें कितने लोग मौजूद हैं ये पहले स्थानीय लोग या जो वहाँ पर मौजूद होंगे उनको जानकारी नहीं थी। उनके लिए प्राथमिक तौर पर ये ज़रूरी था कि जो लोग भी इसमें मौजूद हैं, पायलट हों या अन्य कोई और लोग मौजूद होते हैं, तो उनको बचा लिया जाए। आपको बता दें पायलट घायल ज़रूर हैं लेकिन सुरक्षित बताए जा रहे हैं, ये एक ठीक अच्छी खबर है। 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं इसमें सवार। सेना की तरफ से अब ये कहा गया है कि पायलट को चोट जरूर आई है लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सुरक्षित हैं, क्योंकि ये सभी पायलट जो हैं वो 2 पायलट, 1 पायलट और 2 पायलट उनके साथ में मौजूद होंगे, तो ऐसे में पायलट तो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है चोट आना, घायल होना एक लाजमी बात है, ज़रूर हुए होंगे, लेकिन अच्छा ये रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई और जान की हानि नहीं हुई है। ये आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद लोग पहुंचे इस जो क्रैश में जो लोग मौजूद थे, पायलट मौजूद थे, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।